72 घंटे बाद दिल्ली अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। 3 दिन बाद जाफराबाद के उन इलाकों में खाली करवाया गया प्रदर्शनकारियों को जो शाहीन बाग की तरह वहां पर एक प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिन से दिल्ली दहली हुई है, कई दिनों से भड़क रही चिंगारी लपटों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है, दंगाइयों को देखते गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली की दुकानों से, मकानों से, गाड़ियों से और सड़कों से उठती हुई आग में इंसानियत जलकर खाक हो गई। जमीन पर सुलगते हुई इस राख में दिल्ली की शांति जल गई। सवाल है, कौन है जलती दिल्ली का जिम्मेदार? किसने दिल्ली को इस आग के हवाले कर दिया? जो प्रोटेस्टर्स जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ से चले गए हैं और अब मौजपुर चौक पे भी कुछ लोग दिख रहे हैं। ये जो रोड है, सियासत का रोड है, ये सर शांति है। क्या सुपर साइड के भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शांति है सर? अभी हम सब जगह होके आ रहे हैं और सिचुएशन 72 घंटे बाद जाफराबाद का रास्ता खुल गया है, जहाँ से इस बवाल की शुरुआत हुई थी। जिस रास्ते को मुट्ठी भर लोग नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर 3 दिन से बंधक बनाकर बैठे थे, वहां अब पुलिस का पहरा है। सड़कें खाली करा दी गई हैं, फिर चाहे वो जाफराबाद का इलाका हो या फिर मौजपुर का। जाफराबाद ही वो इलाका है जहां सबसे पहले पत्थरबाजी शुरू हुई, घरों में तोड़फोड़ शुरू हुई, आगजनी हुई और देखते ही देखते फायरिंग होने लगी। जाफराबाद के आसपास का इलाका जलने लगा था, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। ये उत्तर पश्चिमी दिल्ली का भजनपुरा इलाका है। दोपहर से ही दंगाइयों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई, खुलेआम आतंक का खेल खेला जा रहा था, लोगों के कारोबार को निशाना बनाया जा रहा था। जो लोग घरों में थे वहां पेट्रोल बम फेंक कर आग लगाई जा रही थी। खजूरी खास में भी पुलिस कोशिश कर रही थी कि शांति का माहौल बनाया जा सके, लेकिन कुछ उपद्रवी खजूरी खास की फिजा को बदरंग करने में जुटे थे। हमारे कैमरे के सामने एक ऐसी तस्वीर कैद हो गई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उसी दौरान उपद्रवियों ने अपने घर की बालकनी से खौलता हुआ पानी फेंक दिया। नए नए तरीकों से दंगाई दिल्ली के अमन चैन में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। खजूरी खास इलाके में जिस तरह हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक टेम्पो गाड़ी में आग लगा दी गई, छोटा हाथी गाड़ी है ये। गाड़ी यहाँ पर फ्रूट्स लेकर जा रही थी, देखिए गाड़ी में अंगूर थे, इस फ्रूट्स को लेकर कोई शख्स आगे जा रहा था और इस गाड़ी को यहाँ पर आग लगा दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुए हिंसक टकराव ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों को दहशत से भर दिया है। दंगाइयों को पुलिस बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली को जलाना छोड़ दें, लेकिन उपद्रवी हैं कि मानते नहीं। इसलिए पुलिस भी अब अलर्ट है, क्योंकि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। गौनिका अरोड़ा और कुमार सोनू के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।